धनुषधारी राम है, धनुधारी राम है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है विधि विधान के साथ, और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चन करते हुए, आरती का आशीर्वाद लेते हुए कोठंडा रामास्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना जो ये मंदिर है, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है, और भगवान राम के जो स्वरूप है उसे धनुष यानी कि कोठंडम के रूप में दर्शाया गया, इसीलिए मूर्ति का नाम कोठंडा रामास्वामी है। उस लिहाज से हमने देखा कि कुछ देर पहले अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये दौरा अपने आप में बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब हम इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजन अर्चन से पहले की अगर बात करें तो अरिचल मुनई पॉइंट, वहाँ से रामसेतु की शुरुआत, ये धनुष कोड़ी में स्थित है, और ये इसलिए बहुत अहम है कि वहाँ पर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो रावण को हराएंगे, और ये प्रतिज्ञा हर कठिनाई को पार पाने वाली भारतीयों के उस भाव को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोठंडा रामास्वामी मंदिर की है, 1000 साल पुराना इस मंदिर को माना जाता है, और पौराणिक कथाओं की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार जब रावण ने माँ सीता का हरण कर उन्हें कर लिया था, तब विभीषण ने बड़े विनयपूर्वक रावण से आग्रह किया कि वो माँ सीता को, प्रभु श्री राम को लौटाएं, लेकिन तिरस्कार करके अपनी सभा से रावण ने विभीषण को निकाला, और जिसके बाद जब विभीषण ने प्रभु श्री राम से मुलाकात की, अपना आत्मसमर्पण वहाँ किया, और तो कहा जाता है कि उनकी बैठक के स्थान पर इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर को बनाया गया है, और इसकी जो रामेश्वरी के करीब जो ये मंदिर है इसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की दीवारें बेहद खूबसूरत, जो खासतौर पर रामायण के तमाम प्रसंगों को इंगित करती हुई ये तस्वीरें भी हैं, और साथ ही साथ रामायण की विभिन्न कथा कहानियों को अनूठे ढंग से यहाँ उकेरा गया। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ ये कि मंदिर का मुख्य आकर्षण है अति मरम वृक्ष। अब अति मरम वृक्ष क्या है? ये सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अब हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से हम शिलाओं को पूजते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों की भी औषधि रूप में और मान्यताओं के अनुसार पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस वृक्ष का अत्यंत महत्व है, और श्रद्धालु पास ही में स्थित, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही करते हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नंदम बक्कम भी जाते हैं। अब नंदम बक्कम क्यों अहम है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर श्री राम ने जो भृंगी ऋषि का आश्रम था सदियों पहले, वहाँ अपने जीवन के कुछ दिन व्यतीत किए थे। तो देखिए कि ये जो तमाम मंदिरों का भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, कोठंडा रामास्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री पूजा अर्चन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राम के वनवास, प्रभु श्री राम हैं, सूर्यवीर हैं, रघुवीर हैं, उनके वनवास के वक्त जहाँ जहाँ वो रुके ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से ये बेहद अहम दौरा है तमिलनाडु का जब हम बात करते हैं, और साथ ही साथ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस धनुषधारी प्रभु श्री राम की छवि पर सब मोहित होते हैं ये उन्हें समर्पित है, और पहली बार जब विभीषण से यहाँ मुलाकात हुई तो प्रभु श्री राम से शरण मांगी विभीषण ने। ऐसा भी माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक यहाँ किया। दीवारों पर महाकाव्य रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली खूबसूरत पेंटिंग से ये सजा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यहाँ जुड़ रहे हैं। अनुज, दो बातों पर आपसे चाहूंगी कि आप रोशनी डालिए। पहली बात ये कि जिस तरह से कोठंडा रामास्वामी मंदिर में ये हम विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जो धनुषधारी राम
के प्रतीक को समर्पित है और खास तौर पर उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला वो राम भाव। साथ ही साथ अगर हम अरुचल बुनाई पॉइंट की भी बात करें तो ये राम सेतु का निर्माण यहाँ से हुआ, जहाँ से श्री राम ने कसम खाई थी रावण को हराने की, जो हर बात में इस बात को परिलक्षित करता है कि हम किसी भी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेकते। चलिए अनुज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम इस स्थान के बारे में आपको बता रहे थे, यहाँ पे सबसे प्राचीन वृक्ष के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और ये जो प्राचीन वृक्ष है वो अति मर्मम वृक्ष, और मर्म वृक्ष ये देखिए अति मर्म वृक्ष जो है ये मुख्य आकर्षण भी है, क्योंकि आप देखिए कि सबसे पुराने वृक्षों में इसका नाम जो है वो शुमार है। श्रद्धालु पास ही स्थित नंदम बक्कम भी जाते हैं। देखिए अगर नंदम बक्कम वो जाते हैं वहाँ, उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आने का जो एक सुख है वो मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रुके थे प्रभु श्री राम। भृंगी ऋषि का आश्रम था वो, जहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, और क्योंकि रामायण में जिस तरह से जो तमाम कथा कहानियाँ हैं, जो मार्मिक घटनाक्रम हैं, संवाद हैं, उन्हें यहाँ मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है, और इसीलिए जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं, और उस लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोठंडा रामस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और ये कोठंडा राम स्वामी जी को समर्पित है, और इसीलिए ये जिस तरह से हमने आपको बताया कि पौराणिक कथा ये आपसे साझा की, और ये भी आपको हमने बताया कि इस पूरे मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ से रामायण के उस हम कह सकते हैं घटनाक्रम की शुरुआत हुई। अनुक्षण सुद्दिगळिगागि विस्तार न्यूज यूट्यूब चानल सब्सक्राइब माडि, होस सुद्दिगळ नोटिफिकेशन गागि बेल आइकॉन क्लिक माडि, लेटेस्ट अपडेट्स गागि www.vistaranews.com वेबसाइट के विजिट माडि, अंगैयल्ले जगत्तिन सुद्दि तिळियलु विस्तार न्यूज कन्नड ऐप डाउनलोड माडि।